वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो मेरा आसमान में। और आज हमारे इस खास शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके व्यक्तित्व की दो तस्वीरें हैं, जो दो किरदारों को एक साथ निभाती हैं। जो इंडियन एयरफोर्स में एक अच्छे पद पर तैनात हैं, तो वहीं साथ ही एक बेहतरीन शायरा भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीना सहर की। नीना जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम हमारे इस खास शो मेरा आसमान में। बहुत शुक्रिया स्वाति जी, मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया, और श्रोताओं का भी बहुत बहुत श्रोताओं और नाजरीन का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, सभी को अभिवादन। नीना जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि दोनों ही अलग अलग धाराएं आपके व्यक्तित्व की, इनमें से पहले क्या पनपा, शायरी का शौक या फिर इंडियन एयरफोर्स का? जी, मैं पहले तो एक चीज स्वाति वाजे करना चाहती हूँ आपसे कि मैं जो है रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हूँ। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही यह इंडियन एयरफोर्स आता है और हमारी पोस्टिंग जो है वो तीनों सेवाओं में होती रहती है, नेवल में और इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन आर्मी में। और ये जो हमारा सर्विस है ये तो ठीक है, एक प्रोफेशन है। और आपने कहा कि दो मोर्चों पर हम तैनात हैं। दरअसल हम एक इंसान होने के नाते ही दो ही नहीं, बहुत सारे मोर्चों पर तैनात हैं। और उसके साथ ही मैं एक औरत भी हूँ, तो औरत होने के तो कई सारे मोर्चे और भी बन जाते हैं, आप जानती हैं जी। तो इसलिए बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ तैनात हूँ, और जिंदगी ने किया हुआ है और उसका सभी मोर्चों पर मैं पूरी लगन और मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ तैनात हूँ। तो ये जो आपका सवाल है कि पहले क्या आया, तो पहले तो ये है कि शायरी पहले आई। शायरी इसलिए कि बचपन से ही एक रुझान रहता है, रुझान में शायरी जब हम स्कूल टाइम में थे तो स्कूल टाइम के ही मुझे शायरी का शौक, उसी तरह की आपकी चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, जैसे पुरानी गजलें, फिल्मी गजलें, तो मिर्जा गालिब साहब की शायरी, तो उन दिनों में ही शौक पनप गया था। और ये सब कुछ जैसे कहते हैं कि परिवार से या परिवेश से मिलता है, ऐसा नहीं था। तो ये सब मुझे जो है वो ईश्वर ने ही दिया था, क्योंकि कोई ऐसा परिवेश मुझे नहीं मिला जहां पर इस तरह की का माहौल होता, ऐसा इस तरह का आसपास वातावरण होता जिसको देख के आपका शौक, और ये है कि ऐसा माहौल मुझे मिलता तो शायद वो शौक और अच्छी तरह से पनपता और अच्छी तरह से खिल के सामने आता। लेकिन ये ईश्वर की देन थी कि ये शौक मुझे मिला, वो चीजें अच्छी लगने लगी, और फिर जो है वो 16 साल की उम्र में मैंने पहली गजल कही थी जी। और नौकरी में तो बहुत बाद में आए, जब एजुकेशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद नौकरी। बिल्कुल। और नीना जी, सबसे पहले तो बातचीत ज्यादा गंभीरता ना पकड़े, उससे पहले कोई शायरी हो जाए जो आपके दिल के बेहद करीब हो, सबसे करीब हो। जी हाँ जी हाँ, बेशक बेशक बेशक, गजलें तो सारी ही अपने दिल के करीब होती हैं। मैं एक गजल आपके सामने पढ़ती हूँ जो काफी पसंद की जाती है और मुझे भी बहुत पसंद है जी। जी, ये शेर हाजिर करती हूँ कि कोई महाज हो, कोई मतलब कोई भी चैलेंजिंग पोजीशन हो, कोई महाज हो, रुकते नहीं कभी हम। जो ये गजल है ये मेरे दिल के इसलिए भी करीब है क्योंकि हमारे किरदार, जो एक इंसान का अपना भी एक किरदार होता है, तो वो उस किरदार को मैच करती है। इसलिए आज जैसे आपने कहा कि किस तरह से मोर्चे संभालती हैं, तो वो मोर्चे जैसा ही लफ्ज इसमें है, महाज, तो मतले में ही आ गया है, पहले शेर में ही आ गया है। तो आप देखिएगा कि कोई महाज, रुकते नहीं कभी हम लोग,
तलाश लेते हैं हर शय में जिंदगी जी। तो और एक शेर जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो देखिएगा कि मुआफ करते हैं, मुआफ करते हैं दिल से खताएं औरों की, मुआफ करते हैं दिल से खताएं औरों की, नमाज पढ़ते हैं यूं भी कभी कभी हम। जैसे वो कहते बंदगी का अपना अपना तरीका है, तो ये भी एक तरह की बंदगी है कि किसी को मुआफ कर दो। बिल्कुल। तो मुआफ करते हैं दिल से खताएं औरों की, नमाज पढ़ते हैं यूं भी कभी कभी हम। एक और बहुत शेर अच्छा सा मेरे सामने है जो कि बहुत पसंद किया गया है मेरे शेर, वो है कि जो हम में है, जो हम में है वो नहीं है हमारे बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी फलकाता रहता है, ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन हमारी पीढ़ी में और हमारे आने वाली नस्लों की पीढ़ी में कुछ अंतर है। तो उस पे एक शेर ने कहा है कि जो हम में है वो नहीं है हमारे बच्चों में, जो हम में है वो नहीं है हमारे बच्चों में, रिवायतें हैं बुजुर्गों की आखिरी हम, रिवायतें हैं बुजुर्गों की आखिरी हम। और ये शेर देख लें कि वो जिस जुबान में आप कहना चाहते हैं कि शायरी कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए और नौकरी और जिंदगी कितनी इम्पोर्टेंट, तो उसका जवाब आपको इस शेर में मिल जाएगा कि शायरी हमारी जुबान में, हमारे ख्याल में, हमारे रूह क्या अहमियत रखती है। तो वो है कि वो जिस जुबान में खुशबू कलाम करती है, मतलब खुशबू बातचीत करती है, वो जिस जुबान में खुशबू कलाम करती है उसी जुबान को कहते हैं शायरी हम। वो जिस जुबान में खुशबू कलाम करती है उसी जुबान को कहते हैं शायरी हम। और एक शेर और हासिल करती हूँ मैं कि चलन हमारा भी खुर्शीद की तरह है सहर। इसमें एक शब्द आया है खुर्शीद यानी कि सूरज, जैसे सूरज बिहेव करता है, वो भेदभाव नहीं करता है, उसी तरह से हमारा भी चलन है। तो चलन हमारा भी खुर्शीद की तरह है सहर, जहां भी जाते हैं करते हैं रोशनी हम लोग, जहां भी जाते हैं करते हैं रोशनी हम लोग, कोई महाज हो रुकते नहीं कभी हम, तलाश लेते हैं हर शय में जिंदगी हम, तलाश लेते हैं हर शय। वाह, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं नीना जी। और अगर शायरी की बात की जाए तो उसकी दीवाने आज मैं भी कह सकती हूँ कि मैं भी आपकी शायरी की दीवानी हो गई हूँ। नीना जी, अब अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए डिफेंस में जॉब और दूसरी तरफ शायरी, मतलब कि दो अलग अलग मिजाज के काम हैं ये, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या कहलाना पसंद है और सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? जी बेशक, देखिए दोनों ही जो मोर्चे हैं वो अपनी अपनी जगह पर हैं। आप देखिए कि जिंदगी में जो एक डिफेंस में काम करना, एक जिम्मेदार ओहदे पे काम करना, वाकई बड़े फख्र की बात है मेरे लिए। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ अपनी जॉब को परफॉर्म करती हूँ। और दूसरी तरफ जो शायरी है वो एक पैशन है, आपका आपका शौक है जो ईश्वर ने आपको दिया है। तो दोनों ही मोर्चों में कहीं पर भी आप कम संजीदगी मेरे को पसंद नहीं है। आप देखिए कि जब मैं शायरी करती हूँ तो उसमें कोई भी शेर जो हल्का हो जाए, मुझे लगा हो कि इसमें कुछ नयापन नहीं है, तो वो उसको रखते नहीं है, सिर्फ पन्ने भरने के लिए मैं नहीं लिखती। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने जो लिखा है वो बस लिखा है, और अभी तक कोई किताब भी नहीं लेकर आई। लोग किताबों को किताबें लेकर आते हैं, तो मेरा ये मानना है कि पूरी जिंदगी में चाहे आपकी एक ही किताब आए, लेकिन ऐसी किताब आए जिसे लोग पढ़ना पसंद करें, जो लगे कि उसमें कुछ आपने कुछ नया किया है, कुछ
आपके लिखने से कुछ फर्क पड़ा, तो ये मेरा मानना है। तो शायरी का मोर्चा हो या डिफेंस का मोर्चा हो या घर का मामला हो या बच्चों का मामला हो, सारे ही मामलों में मुझे लगता है कि हमें जो है अपनी पूरा 100% देना चाहिए। बिल्कुल, तो वही मैं देती हूँ। ये और बात है कि इनमें सबको अलग अलग रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। ये है कि आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां शायरी नहीं करेंगे, वहां पूरा ध्यान आपका फाइलों में है, आपके काम पे है। ये और बात है कि जैसे आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते बनाते भी शायरी आ जाती है कभी कभी, तो आप लिखते हैं। आप कभी सो रहे हैं, सोते सोते कोई ख्याल आ गया, तब भी आप लिख रहे हैं। तो शायरी के लिए कोई खास वक्त आप अलग से नहीं निकालते, वो ख्याल है, ईश्वर की देन है। जब वो आ जाए तब उसका मूड है, जब बन जाए तो तब शायरी हो जाती है। जी नीरा जी, यहाँ पे अगर मैं परिवार की बात करूँ, देखिए सोसाइटी में लड़कियों को बहुत सारी पाबंदियाँ रहती हैं, उसकी वजह से परिवार भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। अगर हम लड़कियों की बात करें, आपको भी क्या रोका टोका गया? लड़की जैसे कहते हैं कि लड़की हो, अरे शायरी कर रही हो ऐसा मत करो, या फिर शादी से पहले या शादी के बाद, और कितना सपोर्ट फैमिली वालों का रहा इस दौरान, अगर इस जर्नी की हम बात करें? जी मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने शायरी बहुत पहले शुरू की थी और तब मैं बठिंडा में रहती थी, पंजाब में रहती थी। अब बहुत साल पहले मेरे जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली शिफ्ट होने से जो मेरा वहां पे एक छोटा सा सर्कल बना था, वो सर्कल वहीं रह गया था। तो उस दौरान में क्या हुआ कि यहाँ आ गए तो जॉब में आ गए, तो जॉब में आने के बाद तो फिर उसके बाद शादी वगैरह हो गई, बच्चे हो गए, तो वो एक सिलसिला टूट गया बहुत लंबे अरसे तक। मैंने 20-25 साल तक दोबारा से शायरी की दुनिया से जैसे कि अलग ही हो गए, तो वैसा कोई एक सर्कल दायरा यहाँ पर मिला नहीं, या इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बस काम में लग गए तो हमने सोचा ही नहीं कि दोबारा उस दुनिया में जाना है। तो परिवार का ये रहा कि मुझे कभी कोई किसी की तरफ से पाबंदी नहीं रही कि शायरी कोई ऐसा चीज है भी नहीं जो कि जिसको खराब माना जाए। और फॉर्चुनेटली मैं इस तरह के परिवार से संबंधित हूँ जहाँ पर सब लोग जो हैं वो अच्छे हैं और अदबी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और साहित्य को कहना अगर खुद नहीं कहते हैं तो लेकिन उसके खिलाफ भी नहीं, तो मुझे किसी की तरफ से कोई मुखालिफत महसूस नहीं हुई कभी। और मेरे पति ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत साल के बाद मैंने जॉब में रहते हुए अंग्रेजी में एमए, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, तो दोबारा से जैसे साहित्य से रिश्ता जुड़ा, तो फिर दोबारा से लिखने का भी वो जो सोया हुआ अंदर, आपकी रूह के अंदर सोया हुआ था, तो वो सारा जाग गया और फिर दोबारा से लिखना शुरू किया 2012 के बाद। तो उसके बाद से कुछ लोग, शायरी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर तलाश किए, फिर कुछ प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया, तो वहां मेरे पति भी मेरे साथ जाते थे शुरुआती। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम कभी हुई हो। यह और बात है कि वो सब लोग जो है वो शायरी से या अदब से या उससे संबंधित नहीं है, उनके अपने शौक और उनकी अपनी फील्ड्स हैं जिसमें वो काम करते हैं, जो कि शायद बिल्कुल अलग है इससे। मेरे पति इंजीनियर हैं और बेटा भी इंजीनियर है, और बिटिया जो है वो भी कॉमर्स ग्रेजुएट है, वो भी जॉब में है इस टाइम। तो इसलिए हालांकि वो सब लोग जो हैं वो मुखालिफत में नहीं है, लेकिन वो जैसे मेरे शौक हैं उस तरह के शौक उनके नहीं। नीना जी, आप जिस तरह से परिवार की बात कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली में कि कोई बात आप समझा रही हैं वो समझ ना आए तो आपने शायरी का उपयोग किया हो, इस्तेमाल किया हो, ताकि बहुत आसानी से उनको ये बात समझ आ जाए? जी जी ऐसा तो रोजाना कि जो अब देखिए जो आपका शौक है वो
कहीं ना कहीं मुखरित तो होगा ही ना, जी तो ऐसा तो होता ही है। आप जैसे गए, आप टीवी ही देख रहे हैं परिवार के साथ, तो उसमें ही कुछ ऐसा आ जाता है तो एकदम से उससे रिलेटेड, जो जैसे कोई शायरी पढ़ रहा तो फटाफट मेरे भी मुंह से निकल जाती है, क्योंकि बहुत सारी जो मशहूर चीजें होती हैं वो तो कंठस्थ ही होती हैं हम लोगों को, तो इससे जो है वो एक अच्छा सा माहौल बन जाता है। या कभी कभी जो है पारिवारिक बैठना बैठक होती है, तो उसमें भी अब मेरे परिवार के लोग भी, जैसे मेरे मायके वाली साइड से, या वो लोग भी अब सब एहतराम करने लगे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर देखते हैं या मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो उसके वीडियोस देखते हैं, तो वो सब अब जो है ना बड़े फख्र महसूस करते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं, तो वो भी कभी कभी कहेंगे कि चलिए आज लाइव आपसे सुना जाए, तो ऐसा माहौल बनता है घर कभी कभी। नीरा जी, ऐसा माना जाता है कि शायरी में उस्ताद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो आपके भी कोई उस्ताद है क्या? और अगर है तो कौन है वो? किनसे आप इंस्पायर हुई हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया था कि मैं बचपन में जहाँ पली बड़ी बठिंडा शहर में, तो मेरे आसपास इत्तेफाक से कोई ऐसा माहौल या ऐसा कोई शख्स मुझे नहीं मिला जो कि शायरी से, उर्दू से वाबस्ता। ये इसलिए, और उन दिनों में कोई ये यूट्यूब और ये इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करता था, मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो मेरे पास डिक्शनरी भी नहीं हुआ करती थी कि जो उर्दू के कोई शब्द का मीनिंग देखना है तो मैं उसको रेफर कर सकूं, तो इतनी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, चीजें इतनी ज्यादा आसानी से दस्तयाब नहीं थी, तो इसलिए बहुत एक संघर्ष तो रहा है। और फिर उसके बाद भी बहुत सारे ये जैसे जैसे आप जो आपका शौक है वो ही आपको आगे बढ़ाता है, वही आपको दिशा भी देता है और फिर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी देता है आपका जो शौक है, और उसी दिशा में बढ़ते हुए जरूर आपसे ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं उस रास्ते में कि जो आपको आपका मार्गदर्शन करते हैं और फिर आपको कुछ कुछ सिखाते भी, तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मेरी राह में, मेरी जिंदगी की राह में मुझे मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए किसी एक का नाम ना जो है वो नहीं, जायज नहीं होगा, तो मैं इसलिए जिंदगी को ही अपना उस्ताद मानती हूँ जिसने वक्त वक्त मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मुझे सही मार्गदर्शन दिया, जिस तरह एक उस्ताद मार्गदर्शन देते हैं उसी तरह से बहुत सारे। फिर उसके बाद से फेसबुक की दुनिया आ गई, तो फेसबुक की दुनिया में बहुत सारे लोगों से जुड़ाव हुआ, आप लिख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके बन रहे हैं, आप पर्सनल कॉन्टेक्ट भी करके उनसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, औरों का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, उससे भी बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इस तरह से जो जिंदगी चलती गई और मैं आगे बढ़ती गई, मेरा शौक आगे बढ़ता गया, उस्ताद ऐसा ही किसी का नहीं कहा जा सकता, मेरी जिंदगी ही। अच्छा नीना जी, शायरों के बारे में कहा जाता है कि या तो वो दिल फेंक होते हैं या फिर दिल जले होते हैं, शायरा के साथ भी ये जुमला फिट बैठता है क्या? ये बात बहुत सही है, और हालांकि आज की दुनिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जो आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल शायरी थी, वो शायरी जो है वो इश्क और मोहब्बत और दिल टूटना जुड़ना उसी तरह के मौजूदात पर आधारित थी। आजकल जो है वो पूरी जिंदगी के हर पहलू पे शायरी हो रही, तो इसलिए जो है वो ये जरूरी नहीं है कि दिल फेंक, और वो जो आपने कहा वो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो शायर है, जो शायर मन है, उसका जो एक खुले मिजाज का होना बहुत जरूरी है,
वो खुले मिजाज का होगा तो तभी वो शख्स जो है वो चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगा, तभी उसके दिल को चीजें छू पाएंगी और वही जो एहसास है वो आपको शायरी करने पर आमादा करेंगे, वही कहेंगे कि उसी के कारण आपका जो नेचर है वो शायरी वाला हो सकेगा, क्योंकि बहुत रूखा सूखा जो शख्सियत है वो शायरी नहीं कर पाएगी। ये तो आपकी बात सही है, काफी हद तक आपकी बात सही है। नीना जी, ऐसा माना जाता है कि शायरी में फेम है लेकिन कैश नहीं है, कैश कम है थोड़ा, ये कितना सच है? और क्या आप अपनी फैमिली से किसी को शायरी कराना चाहती हैं आगे, जिस तरह से आपने कहा आपके दो बच्चे हैं, हालांकि वो अपने अपने प्रोफेशन में हैं, लेकिन कुछ सोचती हैं आप इसको लेकर? जी, ऐसा है कि शायरी जो है वो करी या कराई नहीं जा सकती, जैसा कि मेरा मानना है। ये और बात है कि आजकल लोग वो एक है कि उसके उसकी भी टेक्निक्स हैं और उन टेक्निक्स को सीख के बहुत सारे बच्चे जो हैं आज शायरी में आ रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि सिर्फ सिर्फ किसी तकनीक में बांधे मिसरों को जाने कैसे लोग गजल कह देते हैं, तो मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ कि उसकी जो रूह है, शायरी की जो रूह है वो है एहसास। तो वो एहसास कोई किसी को सिखा नहीं सकता, वो एहसास किसी के चाहने से नहीं हो सकते हैं, वो आपके अंदर ही होता है, आप बस उसको जो है संवार सकते हैं, डिवेलप कर सकते हैं। तो जबकि जो भी शायर या शायरात हैं वो जो जरूर चाहेंगे कि उनके बच्चे भी जो हैं वो इस तरह के टेस्ट के हों, लेकिन आपके सिर्फ चाहने से नहीं होता। शायर जो हैं वो या तो होते हैं या तो नहीं होते हैं। तो हमारे बच्चों को ये शौक बहुत नहीं है, तो आई एक्सेप्ट इट एज इट इज। तो इसलिए मुझे कोई मैं इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि शायरी जो कराई जा सकती है या किसी को उसको एज अ प्रोफेशन बनाया जा सकता है। तो कैश कम है या नहीं, वो मैं उस मुद्दे पे नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि शायरी कैश के लिए हो ही नहीं सकती जी। कैश या आप तो वो तो एक बिल्कुल अलहदा मसला है और एक अलग जज्बा है, एक अलग पैशन है, एक अलग इबादत की तरह है शायद, तो उसका कैश से लेना देना बहुत नहीं हो सकता है। बिल्कुल। नीना जी, अगर हम पहले के और अब के दौर की बात करें तो बहुत इस दौरान फ़र्क आया है। एक शायरा के तौर पर यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि अगर हम यूथ की बात करते हैं, पहले बहुत कम ऐसे यूथ होते थे, अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, जो शायरी से जुड़ते थे, अब बहुत ज़्यादा तादाद में जो यूथ की अगर हम बात करें, बच्चों की बात करें, वो शायरी से जुड़ रहे हैं। तो इस फील्ड में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगी, यूथ को क्या कहेंगे आज के? जी, मैं पहले तो बहुत ही खुशी महसूस करती हूँ जब मैं देखती हूँ कि इतने लोग, इतनी ज़्यादा तादाद में लोग शायरी की दुनिया में आ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि शायरी की दुनिया जो है वो बहुत नोबल प्रोफेशन है। शायरी जो है वो बहुत नोबल फील्ड है। इसमें आने वाले लोग जो हैं वो बहुत मतलब कि कम से कम जो बंदूक की दुनिया से तो दूर है ना, किसी फसाद की और हिंसा की दुनिया से तो दूर है। तो जो शायरी की दुनिया में आ रहे हैं उनका तो बहुत ही खैर मकदम है। और दूसरी बात, जो जो लोग आ रहे हैं, मेरी उनके लिए वही है कि खूब पढ़ें, अपनी जो जमीन है उसको अच्छे से जांचें, जो पुराने शायरों ने लिखा है उसको पढ़ें, और लोग पढ़ के आ भी रहे हैं, बहुत लोग अच्छी अच्छी शायरी कर रहे हैं, पुरानी जमीन के बेस पर बेस्ड होके भी बिल्कुल नई जमीनें निकाल रहे हैं शायरी में। अब जो पुराने रदीफ काफिये थे उन वो सब खत्म हो गए ऑलमोस्ट, तो उसमें कुछ नया नहीं कहा जा सकता। तो आज बस यही एक पॉसिबिलिटी है कि आप जमीनें अपनी निकाल। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसा कर भी रहे हैं। ये बहुत मसर्रत की बात है, बहुत खुशी की बात, बहुत
गर्व की बात है कि बच्चे जो आ रहे हैं उनको बस मेरी यही है कि पूरे संजीदगी से अच्छे से और पढ़ के और अच्छा अच्छा कुछ नयापन लिए हुए आप जरूर कहें। कि मेरा एक शेर भी है कि सलीका है यही तो शायरी का, सलीका है यही तो शायरी का, पुरानी बात हो पर ताजगी से। तो आप अगर कुछ भी नया नहीं कह सकते, कम से कम जो भी कह रहे हैं उसे ताजगी के साथ तो प्रेजेंट करें, उसको नएपन के साथ तो प्रेजेंट करें, ताकि लगे कि कुछ तो नयापन है, आपका सलीका ही नया हो, आपकी शैली ही नई हो अगर बात नहीं थी। लेकिन आजकल तो नई बातों के, आजकल का जो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी से रिलेटेड जो भी पुरानी जिंदगी से रिलेटेड जो मुद्दे थे उनके ऊपर पुराने शायरों ने कहा, जो आज की जिंदगी है आज की जिंदगी के मुद्दों को हमारे आज के शायर लेके आ रहे हैं। ये बहुत खुश बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा नीरा जी आपसे बातचीत करके। जाते जाते एक एक छोटी सी मैं चीज चाहूंगी कि कोई शायरी ऐसी जो आप समाज और यूथ को डेडिकेट करना चाहें। जी बेशक बेशक, एक गजल जो मैं सभी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। यह है कि खिले हैं आज मेरे लब, मुआफ करके उसे, खिले हैं आज मेरे लब। मैं इससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जो एक मुआफ करना है, मुआफ करना बहुत बड़ी नेमत है। जैसे कि मैंने पहले भी एक शेर में कहा कि मुआफ करते हैं दिल से खताएं औरों की, नमाज पढ़ते हैं यूं भी कभी कभी हम लोग। तो ये जो मेरी गजल है ये भी इसी मौजू पर है कि जो हम किसी को जब मुआफ करते हैं तो किस तरह के भाव हमारे अंदर आते हैं। तो वो हम सबको इस पे अमल करने की जरूरत है। तो इसी गजल के चंद अशआर में आपके सामने रखती हूँ कि खिले हैं आज मेरे लब, मुआफ करके उसे, खिले हैं आज मेरे लब, मुआफ करके उसे, मैं मुतमइन हूँ बहुत अब मुआफ करके उसे। और ये शेर है कि बंधी थी रूह मेरी, बंधी थी रूह मेरी बेड़ियों में नफरत की, बंधी थी रूह मेरी बेड़ियों में नफरत की, निजात पा गई कल शब मुआफ करके उसे, निजात पा गई कल शब मुआफ करके उसे। और एक शेर है कि सजा भी दे के सुकून जब नहीं मिला तुमको, सजा भी दे के सुकून जब नहीं मिला तुमको, चलो तो देख लो तुम अब मुआफ करके उसे, चलो तो देख लो तुम अब मुआफ करके उसे। मैं घर पे, क्या बात है नीना जी, नीना जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के करके और जिस तरह से आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जहाँ से आपकी जर्नी शुरुआत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बातचीत के लिए। तो ये थी जिनसे हम बात कर रहे थे नीना सहर जी, जो आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में तो एक अच्छे पद पर तैनात है ही, अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन एक बेहतरीन शायरा भी हैं, जिन्होंने आज हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, किस तरह से उन्हें फैमिली का सपोर्ट मिला, किस तरह से वो आगे बढ़ी। और यूथ के लिए भी उन्होंने यही कहा है कि जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो पढ़ते रहें, ऐसे आगे बढ़ते रहें। उन्हीं से आज हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल मेरे साथ हमारे इस खास शो में इतना ही।